मरकुस रचित सुसमाचार पंद्रहवां अध्याय। और भोर होते ही तुरंत महायाजकों और पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। और महायाजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। और वह उस पर्व में किसी एक बंधुए को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। और बरब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंधुआ था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उनको यह उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि महायाजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। परंतु महायाजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। और सिपाही उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रिटोरियन कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए। और उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। और जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। और सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। और वे उसे गुलगुता नाम जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए और उसे मुर्र मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। और उन्होंने उसके साथ दो डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब धर्मशास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे कि वाह, मंदिर के ढाने वाले और तीन दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे कि इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। इस्राएल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। और दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, देखो यह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें कि एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया।
जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थीं, उनमें मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब की और योसेस की माता मरियम और शलोमी थीं। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थीं और उसकी सेवा टहल किया करती थीं। और भी बहुत सी स्त्रियां थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थीं। जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था, जो सब्त के एक दिन पहले होता है, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। वह याव करके पिलातुस के पास गया और यीशु की लोथ मांगी। पिलातुस ने आश्चर्य किया कि वह इतना शीघ्र मर गया और सूबेदार को बुलाकर पूछा कि क्या उसको मरे हुए देर हुई। सो जब सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो लोथ यूसुफ को दिला दी। तब उसने एक पतली चादर मोल ली और लोथ को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थीं कि वह कहां रखा गया है।